सर्दियों के मौसम में श्वसन समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों को पहले से ही श्वसन रोग हो, उनकी जटिलता भी बढ़ सकती है। 1% डिग्री के टेम्परेचर कम होने की वजह से 18% निमोनिया के रिस्क बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, वैसे वैसे शरीर में ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, एक्यूट लेरिंजाइटिस, कॉमन कोल्ड, ओटाइटिस, इस प्रकार की बीमारियों के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो निमोनिया होता है, उसके जो लक्षण होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं, तो घर वालों को ज़रूरी है कि वो उसकी जानकारी रखें। बुजुर्ग व्यक्ति को आवश्यक नहीं कि वह उसको टेम्परेचर हाई होगा, उसको क्लासिकल सिम्टम्स होंगे, वह गिर सकता है, उसकी भूख कम हो सकती है, उसकी सोचे समझे की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, वो डिप्रेशन रहने लगता है, चलता फिरता कम है, ये भी लक्षण हो सकते हैं उस बीमारी के। 65 साल से ऊपर हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन होना आवश्यक है। 65 साल से कम ये व्यक्ति जिनको कि COPD है, स्मोकर लंग है, जिनको इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज है, ऐसे व्यक्तियों को तो वैक्सीनेशन कंपलसरी है, कराना ही चाहिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, एक फ्लू से बचने की जो वैक्सीन है, वो वैक्सीनेशन हर साल की जाती है। सितंबर से नवंबर दिसंबर के महीने तक उसको कराना जरूरी है। जरूरी है कि श्वसन रोग होने पर लक्षण उत्पन्न हो तो सही इलाज किया जाए, जिससे गंभीरता को बढ़ने से रोका जा सके। हर संभव प्रयास करना चाहिए कि ठंडी हवा से हमारा फेफड़े या सांस की नलकियों का एक्सपोजर ना हो। हम जब घूमने जाएं बाहर तो कोशिश करें कि उस समय स्मॉग या पोल्यूशन कम से कम रहे। जब धूप रहे तभी घूमने जाएं, अपनी एक्टिविटी कम ना रखें। उसको चलते फिरते रहना चाहिए, उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के खतरे कम होते हैं। उसको पानी पीना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए गर्म कपड़े लेयर्स में पहनना आवश्यक है, वो लेयर्स में पहने। जो व्यक्ति जिनको सांस की रोग है, वो उनको आवश्यक है कि वह अपना मेडिसिन ठीक से ले, डॉक्टर सलाह के अनुसार मेडिसिन जारी रखे। सर्दियों के मौसम में विशेष सावधानी रखें, जिससे श्वसन समस्याओं से बचाव हो सके। किरण भारद्वाज, DD News।